बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। कार का संतुलन बिगड़ने से रोड किनारे मील के पत्थर से जा टकराई कार, बड़ा हादसा टला। अंजय टेकरी रोड पर ग्राम तलवाड़ा डेप के पास स्विफ्ट कार MP46C-0644 का संतुलन बिगड़ने से आज एक बड़ा हादसा टल गया। चालक को वही मामूली चोटें आई और गाड़ी सामने से क्षतिग्रस्त हो गई। उचावत निवासी डॉक्टर राम चौधरी को घटना की जानकारी मिलते ही वे घटना स्थल पर पहुंचे और बताया कि उनकी स्विफ्ट कार लेकर छोटा भाई और माँ बड़वानी से अपने गांव की तरफ आ रहे थे। जैसे ही MPB कार्यालय के सामने तलवाड़ा डेप के पास पहुंचे तो अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रोड किनारे मील के पत्थर से जा टकराई, जिससे गाड़ी सामने से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थर से रुकने के कारण कार पलटने से बच गई, वहीं चालक को मामूली चोटें आई है। बड़वानी से आते टाइम तलवाड़ा डेप में MPEB के सामने कार का असंतुलित होने की वजह से कार ठुक गई और कार में मेरा भाई, छोटा भाई और मम्मी जी बैठे थे, जिनको कोई चोट नहीं लगी, गाड़ी कोई खराबी हुई है। पुलिस ने की चार लोगों पर धारा 188 की कार्रवाई। शुक्रवार को पाटी नगर में कोरोना ड्यूटी पर लगे प्रशासनिक अमले और पुलिस से अभद्रता करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पार्टी में बिना मास्क के सब्जी खरीद रहे व्यक्ति को टीम द्वारा मास्क लगाने की समझाइश दी गई, लेकिन नहीं मानने और अन्य लोगों को एकत्रित कर भीड़ जमा करने वाले, तो वही चप्पल दुकान के दुकानदार द्वारा भी बिना मास्क के चप्पल बेची जा रही थी, जिसे भी टीम ने समझाइश दी लेकिन वह नहीं माना, जिसके बाद दोनों ने नायब तहसीलदार व उनकी टीम के साथ अभद्र व्यवहार कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। दोनों के खिलाफ पाटी थाने पर धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही चार व्यक्तियों के खिलाफ टीम के साथ अभद्रता करने व कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने को लेकर धारा 188 की कार्रवाई की गई है। कल चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या? कल पाटी थाना क्षेत्र में चार लोगों के खिलाफ 188 की कार्रवाई की गई, क्योंकि जब सुबह तहसीलदार महोदय और पुलिस बल कस्बे में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए रवाना हुआ, तब नायब तहसीलदार संजय चौहान साहब के साथ में था साई मंदिर के वहाँ पर, कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार करी। वो अश्विन जोशी और मनोज पारिक थे और इनको समझाने के लिए पुलिस बल भी गया था। तब उन्होंने ये शुभम राठौर भावेश और इन लोगों ने पुलिस बल के आखिर बदतमीजी करी और अनावश्यक लोगों को इकट्ठा करा और 144 का उल्लंघन किया, इसके कारण इनके ऊपर 144 की उल्लंघन के कारण 188 की कार्रवाई की गई। और अगर आगे से ऐसी घटना हुई तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी।